नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जो यहां बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से, कृषि क्षेत्र के लिए एमओयू साइन हो चुका है। निवेशकों और किसान उत्पादों के बीच समझौता, आपको बताते चले कृषि मंत्री जेपी दलाल इस वक्त मौजूद रहे तो कृषि क्षेत्र के लिए एमओयू साइन हो गया है। निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच साइन हुआ है एमओयू। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। सीएम मनोहर की मौजूदगी में साइन हुआ है एमओयू। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कृषि क्षेत्र के लिए एमओयू साइन हो चुका है। सीएम मनोहर की मौजूदगी में एमओयू को साइन किया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच साइन हुआ है एमओयू। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बताते चले सीएम मनोहर की अध्यक्षता में साइन हुआ है एमओयू। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, कृषि क्षेत्र के लिए एमओयू साइन हो चुका है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया है। हमारा फोकस हमेशा कृषि पर ही रहा है, एफपीओ का कॉन्सेप्ट छोटे किसान के लिए फायदेमंद है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एमओयू साइन होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एफपीओ का बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एमओयू साइन होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस कृषि क्षेत्र पर ही रहा है, 2022 तक 1000 एफपीओ बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है, एफपीओ का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए फायदेमंद है। 600 एफपीओ अभी तक बन चुके हैं और 2022 तक 1000 एफपीओ बनाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच एमओयू साइन होता है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में एमओयू साइन होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस हमेशा से कृषि में रहा है, एफपीओ का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। और आपको बताते चले अब तक 600 एफपीओ बन चुके हैं और आगे यानी 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर एफपीओ का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है, ऐसा बयान दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है, एफपीओ का कॉन्सेप्ट किसानों के लिए फायदेमंद है। 600 एफपीओ अभी तक बन चुके हैं, 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया, हमारा फोकस हमेशा से कृषि पर रहा है, एफपीओ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। वही अगर बात की जाए अब तक की, तो अब तक 600 एफपीओ बन चुके हैं और आने वाले समय में यानी कि 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि चंडेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एफपीओ पर मेन फोकस रहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का और उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र पर भी उनका पूरी तरीके से फोकस है, एमओयू साइन किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज जो है एमओयू साइन किया गया है एफपीओ और कृषि निवेशकों के बीच में, और जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कृषि मंत्री जेपी दलाल जो है वो बतौर मुख्य अतिथि वहां पे मौजूद थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो
एफपीओ जो बनाए जा रहे हैं उन एफपीओ का बहुत ज्यादा फायदा जो है वो छोटे किसानों को मिलेगा, क्योंकि एक क्लस्टर जो है क्लस्टर लेवल पे वहाँ पे फसलें जो है वो छोटे किसानों की इकट्ठा होती है और वहाँ पे वो अपने भाव जो जिस भाव में वो बेचना चाहते हैं उस भाव में वो बेच सकते हैं कंपनियों को। और आपको बता दूं कि मौजूदा समय में हरियाणा के अंदर लगभग 600 एफपीओ यानी कि 600 एफपीओ है और आगामी 2022 तक जो है 1000 एफपीओ बनाने की कवायद जो है वो शुरू की जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय जो है वो दुगनी की जाए, इन एफपीओ के माध्यम से वो आय दुगनी जरूर होगी। जी रवि, जिस तरीके से एक लक्ष्य रखा गया है, अभी अगर बात की जाए इस समय तो 600 एफपीओ बन चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2022 तक 1000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है, तो इससे कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, इसका खासा फायदा जो है वो छोटे किसान जिनकी एक एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि है और उस भूमि में जिस तरीके की वो फसलें उगाए गेहूं और बाकी जो प्राचीन काल की जो फसलें हैं उनके अलावा अगर जो मौजूदा समय में हॉर्टिकल्चर तरीके से फसलें उगाएंगे तो उसका काफी ज्यादा फायदा जो है वो छोटे किसानों को होने वाला है, क्योंकि वहां पे जाके एफपीओ केंद्र क्लस्टर से वो क्लस्टर लेवल पे जो फसल इकट्ठा होती है छोटे छोटे किसानों की, तो उनको एक निवेशक मिलते हैं और वो निवेशक जो है उनको उन्हीं के दामों के अनुसार भाव के अनुसार जो है वो उनकी फसल खरीदते हैं, तो इससे काफी ज्यादा फायदा जो है वो किसानों को जरूर होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर छोटे किसानों को फायदा पहुंचवाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई तरीके की योजनाएं बना रहे हैं और इस समय आपको बताते चले कृषि क्षेत्र के लिए एक एमओयू साइन किया गया है और इस एमओयू में निवेशकों और किसान उत्पादकों के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। फिलहाल आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस कृषि क्षेत्र पर ही है और एफपीओ से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।